आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 लश्कर तैयबा के आतंकियों को किया ढेर। वही सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जम्मू में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का उद्घाटन किया, जिसमें जम्मू की सड़कों पर जगह जगह बिखरी प्लास्टिक को इकट्ठा कर इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में ले जाया जाएगा और इस प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल में लाकर सामान बनाया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा कदम जम्मू वासियों के लिए, ताकि ऐसे वेस्टेज प्लास्टिक को रिसाइकल कर नए प्रोडक्ट बनाए जा सके। मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1947 में शहीद हुए सूबेदार कृष्ण सिंह जम्वाल को दी गई श्रद्धांजलि। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में एक चीते ने अपने चपेट में लिया 3 साला बच्चा और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए श्रीनगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता बशीर अहमद खान की ग्राउंड रिपोर्ट। आपको जेके न्यूज ब्रेक में हम उस घर में आज है जहाँ पर कल एक लेपर्ड ने एक बच्चे पर हमला किया। आप देख सकते हैं इस वक्त ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ के दामन में ये एरिया पड़ रहा है, यानी कि ददवन सुदरकूट बाला जो है पहाड़ के दामन में पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कहाँ से वो लेपर्ड आया, जिस रास्ते से आया, फिर यहाँ से वो लोगों के बयान के मुताबिक वो यहाँ पर आया और एक बच्चे पर उस लेपर्ड ने हमला किया। मैं आप उस बच्चे से भी मिलाऊँगा। आप देख सकते हैं वो बच्चा यहीं पर है, बिल्कुल ठीक है। नाजिंद आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो बच्चा जिस पर कल एक लेपर्ड ने हमला किया, हम उस बच्चे से भी आपको मिलाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त हम उसी घर में हैं, यहाँ पर एक तेंदुए ने हमला किया है। नाजिन यहाँ था वो बच्चा जिस पर तेंदुए ने हमला किया है, वो बच्चा इस वक्त सेफ है, लेकिन उससे पहले हाजन हॉस्पिटल लिया गया, बाद में उसे SMHS श्रीनगर मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ उसकी आज डिस्चार्ज हो गई है। बिल्कुल वो ठीक है, वो बच्चा इस वक्त मेरे साथ है। मैं कैमरा मैन से कह आप दिखाइए, वो बच्चा इस वक्त मेरे पास भी है, मेरे साथ भी है। मैं उसे आप देख सकते हैं एज क्या है, मिस 2 साल का बच्चा है। आप देख सकते हैं वो बच्चा सिर्फ 2 साल का है, बिल्कुल ठीक। मैं आपको उसके जख्म भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसको हमला किया गया, दबोचने की कोशिश की गई, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वो बच्चा सेफ है, शुक्र अल्लाह का वो बच गया। कैमरामैन उमर अफजल के साथ बांडीपुरा से बशीर खान को खुदा। शमशाद बानो एस के बाला दादवानो ना शमशाद बानो एस के बाला दादवानो तो क्या सपदा अमिस बच्चे से रात वरंदा पे दिचा योर तो अत दिमस ये सहन थप अमिस क्रेख नीर बहुस थोद मे वेत नस पे पाई पत् लगे अमस सूच ना कह गो योर अचान अंदर एस के बाला क्या वरंडस पे बिहत थोड़ा अंदर तो पचा पुत टाइम
تو پتہ نیو امی کھکری وکری کھکری وکری چھنہ اسہ پائے کہینۍ تہ کتھ پٲٹھۍ امس چیک نیر اچھا اچھا پتہ وچھ اسہ پتہ دن اسہ امس پلو ول پتہ وچھ اسہ امس زخ پتہ کل پولیس اہن حظ تم ٲسۍ آمٕتۍ بہٕ اوسُس پان سرینگر تۄہہِ کھولوٕ نہٕ سرینگر اہن حظ آ تہٕ وٕنہِ چھِ أمۍ سٕنٛز حالت باسان حالت ٹھیٖک حظ ٹھیٖک چھا اہن حظ آ چلو شُکریہ तहसीलदार शहरोज अहमद चौहान द्वारा ईद उल अज़हा की तैयारियों को लेकर मौलाना साहिबान को बुलाकर करी चर्चा और कोविड 19 की गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश जारी किए कि इस महामारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल का लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें इस कोविड की महामारी में थोड़ा मौका इनायत किया कि दो महीने से ज़्यादा लाख रुपये असम रहे तो टिक साहब की हमें हदायत थी कि सब डिविजन लेवल पे जो है एम एल ग्राम को बुला के और परमानेंट सचिव को बुला के जो आने वाली हमारी बुधवार को ईद अल अज़हा है इसके हवाले से एक मीटिंग करनी है ताकि हमारी ईद के दिन जो गैदरिंग को थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और लोगों में इंतजाम भी चला जाए और बाकी साथ में सब डिविजन लेवल पर जो था वो हमने असेस किया कि हमें किस किस चीज़ की जो शॉर्टेज है स्पेशल आइटम की गेस्ट वगैरह की बातें की और हमारे साहबान ने वो यहाँ के जो हमारे डिपार्टमेंट के सदर उन्होंने तो हर चीज़ पे गौरव फिक्र किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि ईद वाले दिन जो हमारे बिजली पानी सारी शॉर्टेज। जम्मू कश्मीर पेट्रोलियम एंड डीजल एसोसिएशन द्वारा आज की गई प्रेस वार्ता और मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी पेट्रोल और डीजल में आ रही परेशानियों को लेकर। मजबूरन बुलाना पड़ा क्योंकि जम्मू और कश्मीर में हमारे ऑयल कंपनीज चाहे वो इंडियन ऑयल है बीपीसी है चाहे वो एचपीसी है उन्होंने एक नया फ्यूल में एथनॉल मिक्स करके पेट्रोल में 10% शुरू किया है जम्मू और कश्मीर में एक लद्दाख को छोड़ के लद्दाख में नहीं किया क्योंकि वहाँ 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने जो है वहाँ पे डंपिंग होती है एडवांस मीटर स्टॉकिंग होती है और एथनॉल डालने से क्या है कि अगर 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने गाड़ी में रहे तो ये कन्वर्ट इंटू पानी में हो जाता है। ये एथनॉल जो है केन शुगर से बनता है जो कि गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए था लोगों को कि ये एथनॉल जो है पेट्रोल में मिक्स करने जा रहे हैं ये सरकार ने नहीं किया लेकिन जम्मू व कश्मीर में ये 9 तारीख से स्टार्ट हो गया हुआ है और सभी पंपों पे एथनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा है। आपने देखा होगा कि अगर हम गाड़ियों के देखा होगा टॉप के ऊपर चाबी लगा के आप ताला खोलते हो उसके ऊपर लिड नहा हो और पानी अंदर चले जाए तो जो 10% एथनॉल मिक्स किया है वो कन्वर्ट इंटू पानी बन जाएगा और उससे क्या होगा आपकी गाड़ियां जाम हो सकती हैं रोड पे खड़ी हो सकती हैं लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। ये अवेयर करने के लिए एक प्रेस वालों को बुलाया है कि लोगों को ये है आपके टैंकों में ये है तो जिसके कारण हमें आज मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोलना पड़ा कि भाई ये एथनॉल है एथनॉल जो गवर्नमेंट ने मिक्स करना शुरू किया है इससे क्या होगा कि किसी की गाड़ी में पानी है हमारे टैंक में पानी है तो समझ लो कि 10% जो है आपका तेल खराब होगा और रास्ते में गाड़ियां जो आपकी खराब हो सकती हैं और लोगों को परेशानियां आ सकती हैं। ये एथनॉल इन्होंने पूरे भारत में स्टार्ट किया है और यहाँ पे रेनी सीजन मौसम खराब होने के कारण अभी श्रीनगर में हमारे काफी केसेस जो हैं ऐसे आए जिसमें लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई प्रॉब्लम आई। मैं तो यही कहूंगा कि सब लोग जो हैं अपने टैंकियों को चेक करें पानी उसमें नहीं हो लेकिन पब्लिक का काम है कि एथनॉल वाला लेना है या नहीं लेना है लेकिन कोई बोलता नहीं है इसमें पब्लिक का नुकसान है या पब्लिक को प्रॉब्लम है लेकिन लोग नहीं देख रहे तो इसमें यही हमारा कहना मेन था कि एथनॉल वाला पेट्रोल जम्मू व कश्मीर में आ गया है इसकी अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए नहीं होगा तो गाड़ियां जो है जगह जगह आपकी खड़ी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर रेफ्यूजीज द्वारा प्रेस क्लब जम्मू के बाहर दिया लोगों ने धरना प्रदर्शन और लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हमारी पुरानी पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। हमारा जो प्रदर्शन आज चल रहा है डिलिमिटेशन कमीशन जहां आया जो भी सीटें हमारी डिफ्रीज करनी थी तो ये कहते हैं हम डिफ्रीज नहीं कर सकते
अगर ये डीफ्रीज नहीं करती, इंडिया गवर्नमेंट डीफ्रीज नहीं कर सकती हेडेड बाई मोदी जी, तो क्या पाकिस्तान करेगा इनको डीफ्रीज? आधे लोग हमारे पीओजे के में हैं, आधे लोग यहाँ हैं, इसलिए हम चाहते हैं अगर जो भी नहीं कर सकते कम से कम 12 सीटें जो हैं हमारे लिए रिजर्व की हैं। कोई दूसरा हमारे लिए पीओजे के रिफ्यूजियों के लिए नहीं बोलता, हम चाहते हैं कि हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव हों और वो बात करें। इसके अलावा 5.5 लाख बंटने के लिए बात, अभी तक 70-80% जो है वो पैसा बंट पाया है। अभी लोगों की फाइलें नीचे से ऊपर, तो ऊपर से नीचे खज्जल हो रही हैं, लोग दर बदर हो रहे हैं, उनके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। 24.5 लाख हमारा आज वहाँ कर सकते हैं। ये सारे लोग जो हैं, ये गरीब लोग हैं, इन लोगों ने मार खाई है। ये जितने भी लोग हैं इनमें से कैप्टन साहब हैं जिन लोगों ने देखा है किस तरह से मार खाई है, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है कैसे लोग अनपढ़ रह गए हैं, दर बदर हो रहे हैं, किसी के पास कोई इनकम का साधन नहीं है, तो इनके लिए कोई ना कोई कश्मीरी पैटर्न पर इनको नौकरियां दी जाएं, इनको कोई जो इनको स्कॉलरशिप मिलना है। जिला प्रशासन उधमपुर द्वारा आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तत्काल ही विद्यार्थियों और लोगों को इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। सर, मैं मोहम्मद सलीम, नायब तहसीलदार उधमपुर हूँ। तो जहाँ आज ये कैंप उन बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है जो जिनके लिए स्कॉलरशिप वगैरह आया होता है, तो हम आज इनको मौके पे ही डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ इनको मौके पे ही हम आज इनको जारी करेंगे। ये तहसील वाइज हर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ये इसका रोस्टर बना हुआ है और आज ये नियाबत उधमपुर और तहसील उधमपुर का यहाँ हाई सेकेंडरी में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्या बाकी तहसीलों में भी? जी जी जी, बाकी तहसीलों में भी ये रोस्टर के मुताबिक चल रहा है। सर, क्या रहेगा, कब तक जो बाकी तहसीलें हैं वहाँ पर ये रोस्टर इसका तैयार हुआ है और रोस्टर के मुताबिक ये कैंप ऑलरेडी चल रहा है। मुतल गांव के एक परिवार अपने फरियाद लेकर जिला आयुक्त कार्यालय पहुंचा। उनका कहना था कि उनके पड़ोसियों द्वारा उनकी जमीन हथियाई गई है और कई बार इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज व राजस्व विभाग में कर चुकी है, पर अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए आज जिला आयुक्त कार्यालय से अपील करते हुए कि हमारी इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुतल गाँव का रहने वाला हूँ। मैं इस मसले के बारे में आया हूं कि वहां हमारे गांव में मैंने एक दुकान की कंस्ट्रक्शन की और एक मकान जो पहले का ऑलरेडी मेरा बना हुआ रेशी था उसके साथ मैं दुकान की कंस्ट्रक्शन की। जब उसको मैंने लेंटर डाला तो मेरा एक पड़ोसी ओंकार सिंह उत्तम कुमार ने नाजायज गुंडा बदमाशियों को वहां पर बुलाया और रात के वक्त उन्होंने उस लेंटर की तोड़ फोड़ करके मेरे मकान को पथराऊबाजी की, जिसमें पथराऊबाजी करने में मैंने पुलिस के पास व रिन्यू महकमे के पास इसके बारे में रिपोर्ट कानूनी कार्रवाई के लिए बहुत बार अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ वर्जियों से रिश्वतखोरी पैसा खाकर मुझे गरीब आदमी समझकर मेरी कोई सुनाई ना सुनी, ना पुलिस ने, ना रिन्यू महकमा तहसीलदार पटवारी ने। जिस बात पे मुझे यहाँ पे डीसी ऑफिस के सामने मीडिया में व डीसी के पास ये अपनी परेशानी के लिए आना पड़ा और मैं यहाँ पे यही चाहता हूँ कि डीसी ऑफिस से मेरी जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो पूरी तरह से हो और उसका मुझे इंसाफ मिले। एनजीओ जियो और जीने दो के प्रधान तारिक शाह द्वारा की गई पत्रकार वार्ता और उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिला में पॉलीथीन बैग को पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। कल हमने देखा म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा शहर में पॉलीथीन की एक मुहिम चलाई गई, काफी लोगों ने इस बात को देखा और हमें कहा कि आप इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अगर पॉलीथीन पूरी स्टेट में बैन है, उसके बावजूद लॉकडाउन के टाइम 2021
पिछला आधा साल प्रॉपर पॉलीथीन जो है वो शहर में चलता रहा, किसी का इस तरफ ध्यान नहीं था क्योंकि कोविड था, एक महामारी थी। एडमिनिस्ट्रेशन का, तमाम लोगों का ध्यान जो था उस महामारी को संभालने और समझने में लगा हुआ था, लेकिन इस पॉलीथीन की वजह से अभी जो बरसात का मौसम आ रहा है, कई नाले चौक हो जाते हैं, इतना पॉलीथीन शहर में लोगों के हाथों में होता है कि अगर वो चार आइटमें लेते हैं तो चार लिफाफे उनके हाथ में पॉलीथीन के होते हैं, पैकिंग वाला इलादा, दूसरा इलादा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं, यहाँ सुकून से बैठ सकें। लाइब्रेरी साथ में है, नाला पूरा बंद है। आने वाले दिनों में भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी में आए, स्कूलों में जाएं, कोविड से हमें निजात मिले। और तमाम लोगों से हम अपील करते हैं, थर्ड वेव जो है उसको आप मद्देनज़र रखते हुए मास्क पहनें, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और कम शहर में आएँ ताकि इस महामारी से हम बच सकें, उस महामारी को हम शिकस्त दे सकें। तो इसके साथ साथ अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मिलजुल के कोई काम करना है, पॉलीथीन का बहिष्कार कीजिए और इसके साथ साथ जो महामारी है उसके साथ मजबूती से लड़ें। लड़ने का यही तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, कम शहर में आएँ। थैंक यू जी और जीने दो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा आज जम्मू में रोपवे का उद्घाटन किया गया, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। चलता था और अभी भी चल रहा है, उसके बाद जो है वो चनैनी में जो है वो नया प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट किया गया, उसके बाद जो है वो फोर्ट से लेकर मोमाया टेम्पल तक एक रोपवे का, इस रोपवे का बनने से जो है वो अभी अगर बात करें तो जो अमरनाथ यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई है, मगर आने वाले अगले सालों में ये बदली हुई संस्कृति आपको इसमें दिखाई पड़ेगी कि लंबे समय से जो काम पूरे नहीं हो रहे थे वो अब पूरे होने लगे। और उसी में का एक काम ये भी है जो बहुत दिनों से प्रतीक्षित था जम्मू के लोगों के लिए। कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए महिलाओं को जिला अस्पताल में लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना हुआ खत्म। अस्पताल प्रशासन द्वारा महिलाओं की सुविधा के लिए जम्मू में पिंक बूथ शुरू किया गया है, जिसका शुभारंभ जिला आयुक्त इंदु कंवल चिप द्वारा किया गया। अब महिलाओं का इंतजार हुआ खत्म और लगवा सकेंगी जल्द वैक्सीनेशन। उससे मकसद हमारा नहीं है कि कलर स्पेसिफिक, बट यस हम चाह रहे थे कि, मैंने देखा औरतों को जो स्पेशली प्रेग्नेंट औरतें हैं या किसी के पास हाथ में बच्चा है, उन लोगों को वैक्सीनेशन की लाइन में खड़े होने में बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने हमें आइडिया दिया कि भाई पिंक बूथ भी बन सकता है, सो वी थॉट व्हाई नॉट इन उधमपुर, वी कैन ऑलवेज स्टार्ट अ पिंक बूथ हियर। तो उसके चलते हम लोगों ने, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, CMO साहब हैं, हमने ये कोशिश करी कि यहाँ पर एक पिंक बूथ आ जाए और आज से ये शुरू हो गया है। तो मेरी सब लेडीज से रिक्वेस्ट है और बच्चियों से जो कि 18 से ऊपर हैं कि वो इधर आ जाएं, ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कैंपस में ही है और आसान हो जाएगा थोड़ा सा वैक्सीनेट करवाना अपने आप को। उधमपुर जिला कितना प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है? पूरा देखिए, हमारा कैटेगरीज होती हैं, अब वैक्सीनेशन की कैटेगरीज में हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो हम 95 क्रॉस कर चुके हैं, 95% क्रॉस कर चुके हैं। जहाँ तक रहा सवाल हमारा 45 प्लस का, तो 45 प्लस में भी हम शायद 87% आज की तारीख में 87-88 के बीच में हम टच कर चुके हैं। तो अब वही लोग हैं जो बेसिकली सीजनल माइग्रेशन वाले लोग हैं,
वो रह गए हैं और कुछ कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं वो रह गए हैं, बाकी अमूमन हो चुका है। दसवीं कक्षाओं के छात्रों द्वारा आज भी जम्मू में जेके बोर्ड के खिलाफ विद्यार्थियों और नेशनल यूथ कांग्रेस द्वारा नारेबाजी कर किया जोरदार प्रदर्शन और प्रशासन से मांग की है कि जल्द इंसाफ किया जाना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में करेंगे इससे बड़ा प्रदर्शन है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। बच्चों को इंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय बोल मुर्दाबाद, जय के 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 बोल मुर्दाबाद। आई प्रोटेस्ट फिर से कर रहे हैं, क्या दिमाग से देखना चाहते हैं? सभी बच्चों को और पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं कि हम इलेवन टेंथ पेपर नहीं देंगे, हमें इलेवन में प्रमोट कर दे। हम डीसी ऑफिस परसों गए थे, उन्होंने मंडे तक का टाइम दिया है, वो कह रहे हैं हम आपसे पक्का नहीं कहते कि आपको इलेवन में प्रमोट कर देंगे, वैसे आपको पेपर देने पड़ेंगे। बच्चे कह रहे हैं हम पेपर नहीं देंगे, एक भी पेपर देने को तैयार नहीं है कोई। अगर आपको अभी तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले दो दिन पहले बच्चों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया और बच्चों को घसीटा गया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि कोई इनकी उम्र जो है कोई किसी की 16 साल 17 साल है, किसी की 17 साल है, नाबालिग बच्चे हैं और 10th क्लास के बच्चे हैं जो अपनी मास्क प्रमोशन के लिए ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी जम्मू के अंदर मास्क प्रमोशन दी जाए। तो आपने देखा जो पुलिस ने अपनी आवाज जो बुलंद करने की कोशिश की, पुलिस ने उनको दबाने की कोशिश की, ये सरकार जो है हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है पूरी सेंटर की गवर्नमेंट जो विफल हो चुकी है और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है खासतौर पर जेके बोर्ड वो विफल हो चुका है। हम जेके बोर्ड के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, जो भी इनके अध्यक्ष है, चेयरमैन है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, हम उनसे डिमांड करना चाहते हैं कि जो भी इन बच्चों की डिमांड है जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले टाइम पे युवा कांग्रेस जो है इनके साथ समर्थन शामिल करेगी, युवा कांग्रेस इनके साथ छड़कों पर दिखाई देगी जब तक इनकी। सीनियर कांग्रेस लीडर योगेश सानी व बाजार एसोसिएशन प्रेसिडेंट विमल गुप्ता द्वारा राजतिलक बाजार जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन दरबार मूव को लेकर और सरकार से गुहार लगाई है कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए और इसे बंद ना किया जाए। दरबार मूव बंद होने के कारण व्यापारियों को करना पड़ रहा है कई मुश्किलों का सामना, तो इसे बंद ना कर वापिस से खोल देना चाहिए और ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। दरबार मूव को बंद मत करो, मत करो, मत करो। दरबार मूव बंद मत करो, मत करो, मत करो। दरबार मूव बंद मत करो, मत करो। अरे विमल गुप्ता जी और उनके जितने भी सहयोगी बाजार के सूचनों के प्रधान हैं और जो सपोर्टर हैं खास करके मोती बाजार से और कई साथी वेस्ट एरिया से भी आए हैं, आज उन्होंने एक सिंबॉलिक प्रदर्शन रखा था। जो परंपरा जो खत्म की है सरकार ने दरबार मूव की, कि उसके खिलाफ की, इस दरबार मूव को बंद करने से हमारे व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान है और आज ये सफरन है इस चीज के बारे में और इसलिए हम इनकी सपोर्ट में खड़े हैं कि दरबार मूव की जो परंपरा थी वो जारी रहनी चाहिए। सरकार बात करती है 200 करोड़ या 300 करोड़ नुकसान की, पर ये नहीं सोचती इस व्यापारी वर्ग को कितने करोड़ रुपया नुकसान पहुंचेगा। ये व्यापारी ये चाहती है सरकार कि ये लोग अपनी दुकानें बंद करके घर बैठ जाएं, ये नहीं सोचते कि इन दुकानों के ऊपर जो लोग मालिक हैं या जो वहां बैठे हुए हैं उसके ऊपर कितने परिवार चलते हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो होने वाला है और हम इनकी सपोर्ट में खड़े हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक ये अपनी वापस नहीं लेते, दरबार मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं करते इसे मुझे। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें, मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।